कैसी है आप? आशा करती हूँ कि फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया है और अच्छे से रिवाइज कर लिया है, ताकि आगे आपको क्वेश्चंस आए तो आपको समझ में आए। देखिए अभी नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे, वी हैव लर्न्ड मैनी थिंग्स, ओके, मैनी थिंग्स फ्रॉम आर फैमिली मेम्बर्स। हम हमारे डैड मॉम को देख के हम रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे हमारे डैडी बहुत क्लीन है, उनकी गाड़ी पहले वो क्लीन करके निकलते हैं बाहर, पाठ पूजा जो करते हैं वो कर, हम उनको ऑब्जर्व करते हैं बच्चों, और उसकी तरह हम बिहेव करते हैं। इसलिए मम्मी हमें देखना, हाँ ये बेटी हमारी डैडी की तरह है, उसको बिल्कुल गंदगी पसंद नहीं है, ये बहुत लड़की साफ़ और सुंदर है, तो हमको खुशी होती है क्योंकि हमको कंपेयर किया जाता है। तो सलमान एंड हिज कज़न कांट लर्न साइकिलिंग फ्रॉम हिज अंकल। उन्होंने देखा कि इतना भारी भरकम सामान जो है वो हम यहाँ से वहाँ नहीं लगा सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने ऐसे देखा कि हम क्या करेंगे, पूरा सामान लपेट कर साइकिल पे ले जाए, साइकिल तो इनको चलानी आती नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, अपने अंकल से सीख ली। तो आपको क्या करना है, एक स्टूडेंट होना है, अच्छे बेहतरीन स्टूडेंट। तो बोले मैम जिंदगी भर स्टूडेंट रहना है। हाँ हम भी ऐसे देखा जाए तो स्टूडेंट हैं। पूछो कैसे, हम आपको बोलते हैं कुछ, हम आपको कहते हैं कुछ, तो आपको बुरा लगता नहीं है, और दूसरे ही पल में आप मैम के पास आ जाते हो और बोलते हो थैंक यू मैम आपने मुझे सिखाया। तो ये सब बातें हम एक दूसरे से सीखते हैं। तो जैसे थिंक एंड टेल, हाउ ऑल्सो यू ऑल्सो लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम योर फैमिली, वॉट एंड फ्रॉम हुम हैज़ एवरी वन लर्न्ड एनी थिंग फ्रॉम यू। तो देखिए मैंने भी बहुत सी फैमिली से मेरे सीखा है, जैसे मेरे डैड से मैंने सीखा है कि कुछ भी हो जाए जल्दी उठ के आपको जाना है, बहुत सीरियस हो, अगर आप बीमार हो नहीं उठ पाते तो ठीक है, नहीं तो आपको उठ के आपके काम काज में जुट जाना है बच्चों, कुछ भी हो जाए। और आपने कुछ, आपसे कोई किसी ने सीखा है तो हाँ, मेरी बहन कहती रहती है कि आप इतने पोलाइट हो, आप इतने अच्छे से रहते हो, जल्दी उठते हो, अपना काम करते हो, डे वन से नौकरी जाते हो, मैं कॉलेज में थी तब से मैं नौकरी कर रही हूँ, ठीक है। तो वो सब बातें सबके जहन में है, तो आप बहुत मेहनती हो, तो लोग आपको बोलते हैं बच्चों, आपको किसी को बुलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे आप हो, आप बहुत अच्छा मैथ्स कर लेते हो, आप बहुत ज़्यादा अच्छी पढ़ाई कर लेते हो, आपकी राइटिंग अच्छी है, तो सामने से लोग आपको बोलेंगे, आपको किससे बुलवाना नहीं है, ठीक है। सो ऐसे आपके भी कुछ क्वालिटीज़ होंगी तो आपको बतानी है कि मैम ये क्वालिटीज़ मुझ में अच्छी हैं। थिंक एंड राइट, हुम डू यू मीट ही राइट, तो व्हेन आई एम सैड आई गो टू माई, जब मैं सैड हूँ तो मैं मेरे किन के पास जाता हूँ, डैड के पास जाता हूँ, तो डैड भी खुद ही सैड होंगे तो मज़ा नहीं आएगा। बट अगर डैड मस्तीखोर होंगे, डैड बोलेंगे अरे कोई बात नहीं बेटा मैं हूँ ना तेरे लिए, चलो दोनों मिलके कार्टून देखते हैं, तो आपको ऐसा व्यक्ति पसंद होता है ना, तो आपकी दादी ग्रैनी कोई भी हो सकता है, तो आप लिखो कि मेरी दादी मैम ऐसे हैं। व्हेन आई वांट टू नो अबाउट द पास्ट आई गो टू माय, व्हेन आई वांट टू नो अबाउट माय पास्ट आई गो टू माय ग्रैनी, ग्रैंडफादर तो नहीं थे मुझे, तो मेरी ग्रैनी थी, मेरी बुआ है, वो भी मुझे अपना, जैसे मेरे डैड छोटे थे, वो छोटे थे क्या था, तो वो स्टोरीज़ वो बताते थे। तो ऐसे आप किन के पास जाते हो जब आपको 20वीं सेंचुरीज़ की बातें जाननी है, तो कोई भी हो सकता है, जैसे मेरी बुआ है तो मैं उनसे बात करती हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। व्हेन आई वांट टू शेयर माय सीक्रेट्स आई गो टू किसके पास, तो और एक मेरी बुआ है उनको मैं फ़ोन करती हूँ, उनको मैं सारे सीक्रेट्स बता देती हूँ कि इन्होंने ऐसे बोला उन्होंने वैसे बोला,
हालांकि सीक्रेट्स नहीं होती, नॉर्मल होती है बातें, बट हम जिसको एकदम से नहीं बता सकते हम उनको बता सकते। तो आप भी किसको बता सकते हैं, बड़े भाई साहब है आपके या बहन है, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है कि मैम ये मैं यहाँ पे इनको इनको बताता हूँ। व्हेन आई डू समथिंग रॉन्ग आई गो टू माई डैड, वो मुझे बताते हैं कि कोई बात नहीं, उन्होंने मुझे काफ़ी बिगड़ाया है कि आप लड़की हो तो भी आप कुछ भी कर सकते हो। तो मैं क्या करती थी, कुछ भी मैं बुरा काम करूं या अच्छा काम करूं, मैं जाके डैड को बता देती थी, तो डैड मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। तो ये तो खैर मेरी बात है, आप जिनको आपको लगता है कि, हालांकि वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, हाँ बच्चों ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है तो हमारे में आक्रोश आ जाता है। तो मेरे डैडी को मैं जाके सब बताती हूँ। आप किसको बताते हो जब आप कुछ मिस्टेक्स करके आए हो कि अब मुझे आप बचा लो, तो एवरीवन रिमूव्स द शूज़ बिफोर एंटरिंग द हाउस, ठीक है, दिस इज़ द कस्टम ऑफ सुरेखाज फैमिली। सम ऑफ द सुरेखाज फ्रेंड्स एंटर द हाउस विदाउट रिमूविंग द शूज़, सुरेखाज ग्रैंड फादर गेट्स एंग्री एट दैट। आर देयर पर्टिकुलर कस्टमर्स फॉलो ऑन द बाई योर फैमिली, वॉट आर दोज? येस, तो हमारी फैमिली में भी ऐसा ही है, हम भी चप्पलें बाहर निकाल के रखते हैं। आजकल आप देखोगे सब सीरियल वगैरह में सब चप्पल लेके ही घूमते हैं, पहन के ही घूमते, बट वो अच्छा नहीं होता। वी मस्ट रिमूव आर शूज़ आउटसाइड। फिर कोई भी आए तो आपको पहले, आपके आपके घर में भी ऐसे ही होगा, वी शुड ऑफर अ ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर टू द पर्सन हु एंटर्स, है ना, कंपल्सरी। उनको पीना नहीं पीना उनका प्रॉब्लम है, हमको देना है। मेंबर्स डिस्कस विद द चिल्ड्रन द मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली, लाफ स्माइल सिंग सॉन्ग्स एक्सेट्रा, दिस विल हेल्प देम टू नो व्हाट इज द स्पेशल अबाउट देयर फैमिली मेंबर्स। कभी कभी क्या होता है, फैमिली मेंबर्स से भी ज़्यादा पड़ोस में अच्छे होते हैं, तो उनके साथ भी ये आप कर सकते हो। जैसे एक आंटी आती है तो वो फिर हमारे साथ भगवान के भजन वजन भी गा लेते हैं, तो ऐसे भी आप अगर हो तो लिख सकते हो, क्योंकि अभी वो आपके नेबर्स से ज़्यादा फैमिली हो गए। तो आर देयर एनी पर्टिकुलर कस्टम्स फॉलोड बाय योर फैमिली, कौन से कस्टम्स हैं? जैसे पानी, मैंने बोला ग्लास ऑफ पानी तो देना ही है बाय डिफ़ॉल्ट। फिर उनके लिए चाय नाश्ता करना है, अगर वो ज़्यादा देर रुके तो खाना खिलाने सिवाय उनको भेजना नहीं है। तो ऐसे कोई कस्टम्स आपके यहाँ हैं तो वो आप फॉलो करते हो तो आप लिखो। मैं नहीं लिख पाऊँगी क्योंकि आपके कस्टम्स अलग हैं, हमारे कस्टम्स अलग हैं, और जो कॉमन है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो जैसे बहू बेटी गई कोई, तो हाँ अब दीदी छोटी छोटी बहनें घर पे आई तो उनको फ्रॉक कपड़े सब करना है, मिठाई का बॉक्स देना है, क्योंकि हमारे घर में लक्ष्मी जी आई, ऐसा हमको आभास होता है। तो इस तरह से आप फॉलो कर सकते हैं बच्चों, तो इस तरह से आप बोल भी सकते हो कि मैम ये रिचुअल्स हम फॉलो करते हैं। तो पेज नंबर 37 पे थर्ड स्टैंडर्ड हमारा फिफ्थ चैप्टर चल रहा है। जिनको नहीं पता है या जो मुझे सुन रहे हैं बट फिजिकली यहाँ है, मेंटली कहीं और है, तो ऐसा मत करना, रचना मैडम को ध्यान से सुनना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, डज एनी मेंबर ऑफ योर फैमिली हैव एनी पर्टिकुलर हैबिट बाय लाफिंग लाउडली व्हेन दे आर हैप्पी? ऑफ कोर्स, मैं तो बहुत उतावली हूँ आपको बताने, आपका तो पता नहीं मुझे, आप अभी लिखोगे बोलोगे तब मुझे पता चलेगा, आपके पेपर्स में मैं मुझ तक पहुँचेंगे, मैं पढ़ूंगी, मैं चेक करूंगी तब पता चलेगा, बट आप लिख के रखो। हाँ, मेरी एक प्यारी प्यारी बुआ है जो आ जाती है तो इतने ठहाके मारती है, हा 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 ऐसे ज़ोर से हंसते हैं, तो पूरे मोहल्ले में पता चलता है मेरी बुआ आ गई। तो ये स्पेशलिटी है उनकी, और उनका दिल बहुत साफ़ है, उनको सबको हेल्प करना है। तो ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं, काइंड होते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं, और बहुत ज़्यादा सबके लिए चिंतित होते हैं। व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर हैप्पी? मैं भी उनकी तरह ही हूँ, व्हेन आई एम हैप्पी आई ऑल्सो शाउट आउट, आई लाफ, आई डांस, आई सिंग, तो ये सब मैं करती हूँ।
और झटपट देखो ये सब करके फिर मैं काम करती हूँ तो झटपट काम मेरा हो जाता है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि काम कितना है नहीं, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि हाँ आपने ये समय में कितना काम खुशी से किया, तो आपको ऑटोमेटिक आप एनर्जाइज हो जाते हो। व्हाट अदर पीपल डू एक्सेप्ट लाफिंग व्हेन दे आर हैप्पी, क्या करते हैं वो। मैंने जैसे कहा हैप्पी होने के लिए फिर वो अगर लाफिंग करेंगे हा, वो तो एक साइन है बच्चों कि आप हैप्पी हो। बट आप सिंगिंग कर रहे हो, आप डांसिंग कर रहे हो, आप रीडिंग कर रहे हो कि मुझे यहाँ पे शांति चाहिए तो मैं रीड कर रहा हूँ मैम, तो वो भी अच्छा है। मैं किसी के साथ बात करने गया, चैट करने गया, चुगली करना नहीं मतलब बात करना कि आप क्या कर रहे थे, कल क्या किया आपने, आगे आपके क्या प्लान्स हैं। तो ऐसे दोस्तों से बात करके भी आपको काफ़ी हिम्मत मिलती है। अभी आज के दौरान पे बच्चों थर्ड स्टैंडर्ड, आप तो खैर छोटे हो लेकिन लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, इसका टेंशन, ऑफिस का टेंशन, पैसों का टेंशन, मम्मी लोग को घर का टेंशन, सामान लाने का टेंशन, पगार घटने का टेंशन डैड मॉम को। तो वो क्या करते हैं, अगर वो लोग अपने कोई भी पुराने फ्रेंड्स के साथ बात किए तो उनको स्ट्रेस आउट हो जाता है। तो ये सब बातें हम कर सकते हैं। हाउ डू यू रिस्पेक्ट, शो रिस्पेक्ट टू एल्डर्स इन योर फैमिली। तो आई बाउ डाउन टू देम, आई वेलकम देम। वो हो तो हम बैठते नहीं हैं, हम उन स्टैंडर्डीज़ में होते हैं, हम उनको हेल्प करते हैं कि आपको पानी चाहिए, क्या चाहिए। लाइक मेरी बुआ मेरे घर आए तो मैं खड़ी की खड़ी रहती हूँ और मुझे कोई सिखाता नहीं है ये। मैं वो जैसे वॉश किया उन्होंने फेस, तो मैंने नैपकिन देना है उनको। लुक अराउंड टू सी हाउ अदर शो रिस्पेक्ट। तो रिस्पेक्ट आप बच्चों दिखाओगे तो ऐसे नहीं कि आप चापलूसी कर रहे हो, बट रिस्पेक्ट आप देते हो तो सामने वाले को भी पता चलता है कि ये कितने अच्छे स्कूल से आया है, कितना अच्छे शिष्टाचार है इनके। तो ये सब समझने वाली क्वेश्चंस हैं, तो मैंने इनके आंसर्स आपको दे दिए हैं, समझा भी दिया है। मेन तो हमारे आइडल के क्वेश्चंस हैं जो हम करेंगे। तो यहाँ पे व्हाट डिड ओल्डर मेंबर्स ऑफ द फैमिली डू इन देयर चाइल्डहुड, ये आप पूछ लेना। नो एंड टेल एंड लिसन फनी इंसिडेंट्स फ्रॉम द ओल्डर। तो कोई भी ऐसे हंसने वाले, हास्य पैदा करने वाले कोई भी इंसिडेंट्स हो वो आप ओल्ड आपके मेंबर्स को पूछिएगा और यहाँ पे भरिएगा। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है, अब बहुत ही इजीली ख़त्म हुआ। थैंक यू, आपने हेल्प किया मुझे इतना फिनिश करने के लिए। आपके कोऑपरेशन के सिवाय कुछ नहीं होने वाला, तो बहुत बहुत इसको रीड करना 5 बार, हो सके तो होमवर्क बुक में अच्छे से लिखना ताकि आपकी राइटिंग अच्छी हो जाए, नोटबुक में आप लिखना हार्डवर्ड्स ताकि आपको हार्डवर्ड्स भी लर्न हो जाए। चलो मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ, 6th चैप्टर फूड वीक। बाय बाय।